नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फेडरल बैंक कंपनी का अगले दिन का अपर टारगेट एंड लोअर टारगेट क्या हो सकता है। तो आप दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखना, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले इसका ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा आज के दिन का दोस्तों ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये अप ट्रेंड पर है पिछले दो तीन दिनों से। और बात करते यहाँ से दोस्तों इसका स्टॉक का प्राइस हमको अगले दिन क्या और भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, ये वाला जो दोस्तों कैंडल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये वाला जो कि दोस्तों बीआरएस इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस में हमको अगले दिन गिरावट होते हुए देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसी का दोस्तों ध्यान में रखते हुए बात करते हैं इसका अगले दिन का अपर थ्रेट के बारे में। तो वो रहेगा दोस्तों 93 रुपीज़ के आसपास, और लोअर थ्रेट दोस्तों रहेगा 86 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो इसी रेंज को पकड़ के अगले दिन चलना, इसके बाद भी दोस्तों खुद का एनालाइज करना, फिर पैसा लगाना। ये वीडियो से एडुकेशन पर उसके लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू दोस्तों।